Good morning, everyone. I'm Aman. Two at a time, Chintu and Mintu went shopping. They bought some things to pay. They used notes and coins, but only two at a time. So Chintu and Mintu जो है shopping को गए हैं और वो कुछ सामान लेना चाहते हैं और उनके लिए उन्हें दो coins की जरूरत होगी या दो notes की जरूरत होगी. To pay, they used notes and coins. अगर इन्हें कोई भी सामान चाहिए या तो ये notes का use करेंगे या coins का use करेंगे. लेकिन कुछ भी use करेंगे एक बार में बचा होना चाहिए. या हो सकता है वो दो नोट्स हो सकता है दो क्वाइंस हो सकता है एक नोट और एक क्वाइन हो. ऐसा करना है उन्हें एक बार में बस दो. तो यहाँ पर बैट खरीदा गया है. जैसे आप देखो यहाँ पर तो यह बैट है. बैट में कितने लग रहे हैं 20. तो वो 20 रुपीज़ दे सकता था लेकिन शर्त क्या है यहाँ पर कि उसे एक बार में दो नोट्स देने हैं या दो क्वाइंस देने हैं या एक नोट और एक क्वाइन देना है. तो 20 रुपीज़ का ये बैट आ रहा है तो उसके पास कितने रुपए के नोट्स हैं 10 रुपीज़ के नोट्स हैं. तो उसको कितनी बार देगा कि वो 20 रुपये हो जाएगा और दो ही बार देना है. तो 10 और 10 ये दोनों मिलाकर क्या हो गए 20 हो गए. यहाँ पर बुक का देखो दाम ₹10 है. तो आप पता है आपको अगर इसको ₹10 के नोट दे दोगे तो ये कम्प्लीट हो जाएगा. लेकिन ऐसा करना नहीं है. तो एक ही बार में मतलब एक चांस में से दो नोट्स या दो रुपये या दो कॉइन्स देने हैं या एक नोट या एक ये देना है कॉइन देना है. तो आप देख लो यहाँ ₹10 कैसे होगा. तो आप देखो यहाँ पर यहाँ ₹5 के एक सिक्के हैं. देखो यहाँ पर ₹5 के ये ₹5 का एक सिक्का है. तो अगर ये दो सिक्का लेगा ₹5 का तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा. तो जो कि इसे देना होगा दुकानदार को क्योंकि शर्त रहे कि एक बार में एक नहीं दे सकते एक बार में दो से ज़्यादा नहीं दे सकते. क्या देना है दो देना है. यानी दो कॉइन्स हो सकते हैं या दो नोट्स हो सकते हैं या एक कॉइन और एक नोट हो सकता है. तो यहाँ पर ₹10 को पूरा करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा दो कॉइन्स देने पड़ेंगे ₹5 के. ना अभी देखो यहाँ ₹40 के क्या है ये बॉल है. तो ₹20 का क्या हो जाएगा बताओ. ₹20 का एक नोट होगा और एक नोट और ₹20 का लेंगे तो दो नोट्स भी मिल गए और एक ही चांस में दो नोट्स भी मिल गए और ये ख़त्म भी हो गया और इसे फुटबॉल भी मिल गया. यहाँ पर आप देखो एक मिनट यहाँ पर है क्या ये ₹60 का. देखो यहाँ पर ये ₹60-60 का है ये. ठीक है ये यहाँ पर देखो ये ₹60 के हैं. ये जो कपड़ा है ₹60 का है. तो आप बताओ दो मतलब दो नोट्स देने हैं. ठीक है कितने कितने रुपए के दो नोट्स देंगे. अगर हम 20-20 के दो नोट्स लेंगे 40 होगा. 10-10 के दो नोट्स लेंगे 20 होगा. तो 30-30 के दो दो नोट्स आते नहीं हैं. तो क्या करना पड़ेगा एक ₹50 का नोट लेना पड़ेगा. ठीक है एक ₹50 का नोट लेना पड़ेगा और एक ₹10 का नोट लेना पड़ेगा. ठीक है तो शर्त के अनुसार हमारा ये पूरा हुआ क्योंकि हमें एक बार भी कितना लेना है दो लेना है. तो मैंने दो लिया नोट्स और एक 50 का एक 10 का और ये हमारे ₹60 को पूरा कर देता है. यहाँ देखो ये 25 है तो यहाँ पर कैसे होगा ये बताओ. ये 25 है तो कैसे होगा ये. तो एक क्या होगा ₹20 का नोट चाहिए और एक ₹5 का कॉइन चाहिए. तो 20+5 25 हो गया. दिस इज इट फॉर टुडे सेशन. द नेक्स्ट थिंग भी विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन बाय.